स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली ये मसला आता है कि एक पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट का मतलब तो हम नॉर्मल रूटीन में यही समझते हैं कि अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट है, और अगर हम इसको काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए एक लिमिट मुकर्रर है, ठीक है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होता है अगर आपका सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ के 5% से कम है। सैम्पल इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये अगर 5% से कम है तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, अगर 5% के बराबर या उससे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन हमारे पास फाइनाइट है। इसका एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है कि अगर आपका पॉपुलेशन सैंपल से 20 टाइम ग्रेटर है तो पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगा, और अगर आपका सैंपल पॉपुलेशन की साइज से 20% से कम है तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास होगा फाइनाइट। तो ये हम इसको यू रिपोर्ट कर सकते हैं, देख लें इसको। अब देख लें सैंपल साइज डिवाइडेड पॉपुलेशन साइज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इससे 5 यहाँ पे 5 होगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करें तो 0.05। तो सैंपल इज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इफ इट इज इक्वल टू आर लेस देन 0.05 पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये 0.05 से ज़्यादा है, सैंपल डिवाइड बाई पॉपुलेशन इट इज़ ग्रेटर देन 0.05 पॉपुलेशन, फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा फाइनाइट। अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि इफ पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय एन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 तो पॉपुलेशन विल बी इफेक्टिवली इनफाइनाइट, अदरवाइज इट विल बी फाइनाइट। इसकी एग्जाम्पल ये है, सपोज एग्जाम्पल 1 में हमारे पास पॉपुलेशन साइज है 5000 और सैंपल है 200। तो अगर आप सैंपल को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर ले और 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसे 4 आ रहा है, तो हमारे पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट है क्योंकि इट इज़ लेस देन 5%, ठीक है। तो दूसरे फार्मूले लगा लें, पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज, तो इसे 25 आ रहा है। तो देखिए एक बात याद रखें, वेन दिस इज इक्वल टू 5% इट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 20। ये दोनों सेम फार्मूले हैं ऑलमोस्ट। वेन दिस इज लेस देन 5%, वेन सैंपल डिवाइडेड पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज लेस देन 5, इट विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर देन 20। एंड वेन सैंपल डिवाइड बाई पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज ग्रेटर देन 5, इट विल ऑटोमेटिकली बी लेस देन 20। तो दोनों में एक कोरिलेशन है। तो आसान सी बात है कि सैंपल इज़ द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अगर ये 5% से कम है तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। अल्टरनेटिवली अगर पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज से 20 गुना से ज़्यादा है तो हम पॉपुलेशन को इनफाइनाइट कहेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो दूसरे एग्जाम्पल है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि पॉपुलेशन फाइनाइट है। अच्छा, वही सेम हमारे पास पॉपुलेशन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास सैंपल कितना है, 400। तो अगर हम सैंपल एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में डाल लेंगे तो इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सैंपल पॉपुलेशन का 8% कवर कर रहा है एंड ये 5% से ज़्यादा है, तो हमारे पास पॉपुलेशन फाइनाइट है। अब देखें अगर ये 5 से ग्रेटर आ गया है तो ये भी ऑटोमेटिकली 20 से कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल 12.5, यानी पॉपुलेशन सैंपल से 12.5 गुना ज़्यादा है। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 20 टाइम, आर इक्वल टू 20 टाइम। तो यहाँ पे नीचे वाला एग्जांपल फाइनाइट पॉपुलेशन का है और ऊपर वाला एग्जांपल इनफाइनाइट पॉपुलेशन का है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।